नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए रोमांटिक लव स्टोरी में। तो चलिए जान लेते हैं कि आज अपने आदित्य के जीवन में क्या चल रहा है। 2 दिनों बाद ही आदित्य वापस अपने काम पे दिल्ली लौट गया। वहां से वो लगातार आयशा और उसके परिवार से कांटेक्ट में था। दिन ऐसे ही गुजरते गए। आदित्य के दिल में आयशा के लिए प्यार और इज्जत दिन ब दिन बढ़ती गई, लेकिन उसको खो देने के डर से वो कभी आयशा को कुछ नहीं कह सका। इधर आयशा भी आदित्य को अपनी हर बात, हर परेशानी शेयर करने लगी। वो आदित्य को अपना सबसे बेस्ट फ्रेंड मानती थी। कुछ महीनों बाद अनु और रजत की शादी का मुहूर्त निकला। अनु ने आयशा को भी परिवार समेत बुलाया। अनु ने आयशा को शादी से कुछ दिन पहले ही अपने घर पे रहने के लिए मना लिया था। अनु ने अपने पेरेंट्स से कह के उसके वहां रुकने का इंतजाम भी करवा लिया था। आदित्य भी ऑफिस से छुट्टी लेकर आया। शादी की भागदौड़ सारी उसी पर थी। आदित्य के पेरेंट्स भी आयशा से काफी प्रभावित हुए, और फिर छोटा आदित्य तो सबकी जान बन गया था। आदित्य और आयशा ने शादी का हर काम खुद पर ले लिया था। आदित्य फोन पर गुस्से से बोल रहा था, अरे कब से आप यही बोले जा रहे हो, आ रहे हैं, फूल बिना मंडप कैसा लगेगा। तब आयशा उसके पास से गुजर रही थी। आदित्य जी शांति से, इतना हाइपर मत होइए। तब आदित्य ने कहा, जी सॉरी। तब फोन पे भाई साहब बोले, थोड़ा जल्दी कीजिए। हाँ सर जी, मैं बस 5 मिनट में पहुंच रहा हूं। तो फिर आदित्य ने ओके कह के फोन रख लिया। फिर आयशा मुस्कुराती हुई वहां से चली गई। तब आदित्य ने मन में सोचा, शिट यार, कैसे अपने आप को इससे दूर कर पाऊंगा मैं। इसकी आवाज में पता नहीं क्या जादू है, जब भी सुनता हूं खो जाता हूं। काश ये मेरी जिंदगी में होती, मेरी हमसफर बनके। शादी के कामकाज में बहुत बार ऐसा हुआ कि आदित्य और आयशा एक दूसरे से टकराए, लेकिन इन टकरावों को जहां एक तरफ आयशा नॉर्मली ले रही थी, वही आदित्य के दिल में हर बार फीलिंग्स बढ़ती जा रही थी। स्टेज पर डेकोरेशन का काम चल रहा था। आदित्य सजावट वालों को दिशा निर्देश देने में मशगूल था। आज हल्दी की रस्म थी। सब तरफ सिर्फ पीले फूलों की लड़ियां लगी हुई थी। सभी का ड्रेस कोड भी पीला ही रखा गया था। शाम के फंक्शन की तैयारियां जोरों पर थी। आदित्य अपने ही काम में लगा हुआ था। थोड़ी देर में ही वहां आयशा फूलों के बीच रखी हल्दी लेकर आई। स्टेज पर चढ़ते हुए उसका बैलेंस थोड़ा बिगड़ गया। वो गिरने ही वाली थी कि आदित्य ने उसे थमा लिया। आयशा के हाथों में रखी हल्दी आदित्य के कपड़ों पर जा गिरी। कुछ पलों के लिए जैसे आदित्य की दुनिया तो वही थम गई हो। आदित्य आयशा की आंखों में डूबने ही वाला था कि आयशा झट से खड़ी हो गई। आयशा ने कहा, ओ नो, आपके तो सारे कपड़े खराब हो गए। आई एम सो सॉरी आदित्य जी। तो आदित्य ने कहा, अरे इट्स ओके, आपको कहीं लगी तो नहीं। तो आयशा ने कहा, नहीं, लेकिन अब आप शाम को फंक्शन में क्या पहनेंगे, आपके कपड़े तो खराब हो गए। तो आदित्य ने कहा, कोई नहीं जी, मैं कुछ और पहन लूंगा। तो आदित्य वहां से अपने कमरे की ओर जा ही रहा था कि उसे अनु ने रोका। अनु ने कहा, अरे बंदर, ये सब क्या है, तेरी उछल कूद आज भी नहीं रुकेगी। कपड़ों का ये क्या हाल बना दिया है, हल्दी मेरी है या तेरी। तो आदित्य ने कहा, ओ चिपकली, ये सब मैंने नहीं, वो आयशा से हो गया है। तो अनु ने कहा, ओह क्या बात है, मतलब तूने अपने प्यार का इजहार कर दिया। तो आदित्य ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, वो बस गिरने ही वाली थी तो मैंने उसे पकड़ लिया, वो हल्दी छटक गई और मेरे ऊपर आ गिरी। तो अनु ने कहा, वो तो सब ठीक है, लेकिन अभी तो पहनेगा क्या, तेरे पास कोई दूसरा पीले रंग का कुर्ता भी तो नहीं है। तो फिर आदित्य ने कहा, अरे अभी फंक्शन में टाइम है,
मैं बाजार से जाकर ले आऊंगा, डोंट वरी। अरे सुन, वो रजत का फोन आया था मुझे, तू फोन नहीं उठा रहा था तो उससे बात कर ले। तो अनु ने कहा, ओ मिस्टर लेट, अब बता रहे हो, मेरी उससे बात हो चुकी है। तो आदित्य ने कहा, ओके सॉरी। तो अनु ने कहा, तेरा सारा ध्यान तो आजकल बस आयशा भाभी पर ही लगा हुआ है, उससे फुर्सत मिले तो कुछ याद भी रहेगा ना, चल जा अभी और जल्दी से कपड़े बदल, इन हालात में सच्ची में बंदर लग रहा है। तो आदित्य ने कहा, वैसे थैंक यू उसे यहाँ बुलाने के लिए। तो अनु ने कहा, इट्स ओके ब्रदर, एंजॉय, ये पल यादगार बना लेना और हो सके तो इजहार भी कर लेना। तो आदित्य कपड़े बदल कर कपड़े लेने मार्केट में जा ही रहा था कि उसी वक्त आयशा वहां से आके बोली, रुकिए आदित्य जी, आप मार्केट में जा रहे हो क्या? जी हाँ, क्या हुआ, कुछ काम था क्या आपको? आदित्य ने कहा। तो अनु ने बोला, वो मुझे मेरे घर छोड़ देंगे, कुछ काम है वहां। तो आदि ने कहा, जी क्यों नहीं, आइए ना। तो आदित्य ने आगे का दरवाजा खोला और वो दोनों चल दिए। आदित्य चोर नजरों से बार बार आयशा को देख रहा था, लेकिन वो चाहकर भी कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। तभी आयशा की आवाज से उसका ध्यान टूटा। आयशा ने कहा, एक बार फिर से आई एम सो सॉरी आदित्य जी, मेरी वजह से आपको सब काम छोड़ के ऐसे जाना पड़ रहा है। तो आदित्य ने कहा, अरे ऐसा कुछ नहीं है, इसमें भी कोई राज होगा जी, आप देखिएगा, ऊपर वाला हमारे बारे में हमसे बेहतर जानता है, बस हम ही समझने में देर कर देते हैं। तो आयशा ने कहा, जी वो तो है। फिर कुछ देर में आयशा का घर आ जाता है। आदित्य ने कहा, कितना समय लगेगा आपको, मैं यहीं रुकूं? तो आयशा ने कहा, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा आदित्य जी। तो आदित्य ने कहा, तो मैं लौटते वक्त लेके आऊंगा आपको, ओके? तो आयशा ने कहा, अरे आप खामखा तकलीफ कर रहे हैं, आप निकल जाइए, मैं आ जाऊंगी ऑटो से। तो आदित्य ने कहा, मैं आ रहा हूं, आप इंतजार करिए, ओके? तो आयशा ने कहा, लेकिन वो। तो आदित्य ने कहा, आपको लिए बिना गया तो वो चिपकली मुझे बहुत सुनाएगी, मैं आ रहा हूं, आप तैयार रहिए। तो आयशा मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है जी। फिर आदित्य मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। ड्राइव करते हुए वो मन में ही सोच रहा था, थैंक यू सो मच गॉड जी, आपने आयशा को मेरी जिंदगी में भेजा, जब जब मैं उसे देखता हूं एक अलग ही एहसास होता है, एक अलग ही खुशी मिलती है, पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, पर मैं बहुत खुश हूं, आई लव हर, उसे तो पता भी नहीं पर मैं कह भी पाऊंगा या नहीं, पर मैं उससे बहुत प्यार करता हूं, बस हमारा ये रिश्ता ऐसे ही चलता रहे। फिर कुछ देर बाद आदित्य अपना काम खत्म करके फिर से आयशा के घर पहुंचता है। आदित्य ने फोन किया पर आयशा ने उठाया नहीं, इसलिए वो गाड़ी पार्क करके घर की ओर चल दिया। आयशा का घर चौथी मंजिल पे था। आदित्य लिफ्ट से ऊपर आ ही गया और उसने बेल बजाई, लेकिन आयशा ने दरवाजा नहीं खोला। अब आदित्य थोड़ा परेशान होने लगा, क्योंकि ना वो फोन उठा रही थी और ना ही बार बार बेल बजाने पे वो दरवाजा खोल रही थी। तो दोस्तों, आखिर क्या हुआ होगा आयशा के साथ, जानते हैं अगले भाग में। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो येलो स्टोरी आपको अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसी ही लव स्टोरीज हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। धन्यवाद।